हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज़ करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का लेक्चर देखेंगे और इसके अंदर आज हम थर्टी एम सी क्यूज़ कवर अप करेंगे सो so, थोड़े ज़्यादा एम सी क्यूज़ लेक्चर में डालने की अब कोशिश कर रहा हूँ लास्ट के टेन डेज़ के अंदर कि जितने ज़्यादा हो सके हम कर सकें तो पहले हम दस दस एम सी क्यू के वीडियोज़ देखते थे अब ये तीस एम सी क्यूज़ का लेक्चर होगा तो ऑलमोस्ट आप लगा लो थ्री टाइम्स हो गया है ना तो ये कोशिश रहेगी एंड जो भी लेक्चर है उसके पी डी एफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हो रहे हैं और एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स आप देखना चाहो तो देख सकते हो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप फिफ्टी परसेंट ऑफ है यूजिंग द कोड यू पी एस सी ई पी एफ ओ एंड अगर आप ये कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पी डी एफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना वो इसमें इंक्लूडेड होता है ओके okay? सो so, चलते हैं काइज आगे तो पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एरो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एरो इंडिया से रिलेटेड है सो so, थीम पहले तो गिवन है पहली स्टेटमेंट में कि थीम था आत्मनिर्भर भारत मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एरोस्पेस इंडस्ट्री दूसरा है एरो इंडिया 2023 फीचर्ड अ स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट ओनली एंड अ फ्लाइंग डिस्प्ले ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स अच्छा जी स्टैटिक डिस्प्ले होता है मतलब कि जो स्टैंडिंग में है ना खड़े हुए हैं एक तो होता है फ्लाइंग डिस्प्ले हो गया जिसमें उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में वहाँ नीचे से आप देख रहे हो ठीक है तो स्टैटिक डिस्प्ले सिर्फ एयरक्राफ्ट का था और फ्लाइंग डिस्प्ले था फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या कोई भी नहीं यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी नीदर वन टू दोनों स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं इसीलिए आंसर <coughs> विल बी डी ओवर ओके तो एयरो के बारे में देखते हैं 2023 ऑर्गेनाइज हुआ था एयरफोर्स स्टेशन येलहका बेंगलुरु के अंदर तेरह से सत्रह फ़रवरी के बीच में एंड 98 कंट्रीज के अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एरो इंडिया सेटअप uh, था ये और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेसिकली ये क्लेम किया थीम था इस साल का द रनवे रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज ठीक है तो थीम वहाँ पर आपका गलत गिवन था थीम थोड़ा सा याद रखेंगे और जो स्टैटिक और फ्लाइंग डिस्प्ले उसके अंदर इंडियन और फॉरेन एयरक्राफ्ट दोनों का मिक्स था ठीक है तो यहां पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि सिर्फ इंडियन एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले था नहीं आपका फॉरेन एयरक्राफ्ट का भी डिस्प्ले था इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है दो पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं कि एक तो तीन पॉइंट्स मेनली एक तो कहां पर हुआ था ऑर्गेनाइज ओके okay, उसके बाद थीम याद रख लेना और ये जो पॉइंट आपको बताया है, ये याद रख लेना

एयरफोर्स है और एक है है कोंकण शक्ति ये ट्राई सर्विस है, इसमें तीनों से पार्टिसिपेट करती है, नेवी एयरफोर्स और आर्मी ठीक है तो ये यूके के साथ हमारी एक्सरसाइजेस होती है जो सिटमैक्स एक्सरसाइज थी वो सिंगापुर थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है ठीक है सिंगापुर इंडिया थाईलैंड और ये एक मेरी एक्सरसाइज है नेवीज पार्टिसिपेट करती है थर्ड क्वेश्चन डस्टलिक ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में इंडिया तजिकिस्तान इंडिया उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान पाकिस्तान या इंडिया रशिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जाती है डस्टलिक नेक्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमेश कौन से देश के साथ होती है सियशल्स अल्जीरिया भूटान या कॉमरूस सो दिस एक्सरसाइज टेक्स प्लेस विद के विथ सियसिय एक्सरसाइज होती है गरुड़ा शक्ति ये किन दो देशों के बीच में है एक्सरसाइज इंडिया है वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशन और दूसरा इंडोनेशिया यूएस मालदीव या श्रीलंका यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन ए इंडोनेशिया इंडोनेशिया की मिलिट्री के साथ हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं गरुड़ा शक्ति ओके गरुड़ा शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है एंड बेसिकली स्पेशल फोर्सेस जो है दोनों आर्मीज की वो पार्टिसिपेट करती हैं और इसका एर्थ एडिशन हुआ था 2022 में कारवांग इंडोनेशिया के अंदर नेक्स्ट है जी मैच द फॉलोइंग एक तरफ आपको एक्सरसाइजेस uh, गिवन है और दूसरी तरफ पार्टनर कंट्रीज नंबर वन नजीम अल बहार के साथ ओमान वरुणा के साथ फ्रांस समुद्र शक्ति के साथ श्रीलंका और कॉर्पेट के साथ थाईलैंड तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैचड है पहला पहला और चौथा दूसरा और तीसरा या फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो है ये आपके करेक्ट है समुद्र शक्ति जो है वो करेक्टली मैच नहीं है तो सबसे पहले नसीम अल बहार को हम देखें तो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में ये मेरी एक्सरसाइज होती है ओके उसके बाद अगर हम बात करें वरुणा की तो ये इंडिया और फ्रेंच की नेवीज के बीच में होती है 1993 से और वरुणा इसको हमने नेम दिया था 2001 के अंदर एनुअल इवेंट है उसके बाद जी समुद्र शक्ति जो है ये 2018 से शुरू हुई है और ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है इंडोनेशिया के साथ इंडिया इंडोनेशिया ने एक्सरसाइज है तो इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और कॉर्पोरेट जो है ये इंडिया और थाईलैंड कंडक्ट करते हैं 2005 से नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग जिसको एचएसीजीएएमबी बोला जाता है नंबर 1 से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं सो हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग एपेक्स लेवल फोरम है जो बेसिकली जिसके अंदर मेजर कोस्ट गार्ड एजेंसीज जो है एशियन रीजन की वो पार्टिसिपेट करती हैं 2004 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था तेईस कंट्रीज इसके अंदर हैं तो तेईस कंट्रीज के नाम अपने को याद करने की जरूरत नहीं है मेनली क्या क्या देख लेना कि इंडिया इसके अंदर है कि नहीं है इंडिया है और एक वो कई बार उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछने का रहता है कि चाइना है पाकिस्तान है तो चाइना भी इसके अंदर है और पाकिस्तान भी इसके अंदर है ठीक है तो हमारे दो बहुत अच्छे दोस्त इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर यूरोप से भी जो है पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इसीलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पहले स्टेटमेंट में क्या पूछा था कि सिर्फ एशियन कंट्रीज है ठीक है लेकिन इसके अंदर आपकी यूरोपियन कंट्रीज uh, जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया ओके okay, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये एच एच सी को होस्ट uh, करेगा विद कोऑर्डिनेशन एंड इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है इंडियन नेवी इसके अंदर लिखा है कि ये होस्ट करेगा बट इसको होस्ट कौन कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा डी नीदर वन नर टू इज करेक्ट चलिए एट्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट नंबर वन रीजनल रूरल बैंक्स वर इस्टैब्लिश्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 रीजनल रूरल बैंक्स ओके सेकंड स्टेटमेंट द आरआरबीज आर मैंडेटेड टू लेंड

तो डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इजी था ओके आंसर इज बी टू ओनली इज करेक्ट तो आर आर बीज नाइनटीन सेवेंटी फाइव के अंदर बेसिकली इनको इस्टेब्लिश किया गया था पहले एक ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद एक्ट भी आ गया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट जिसको बोला जाता है नाइनटीन सेवनटी सिक्स ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर जो है क्रेडिट को इनक्रेज करना ओके okay, एंड जो रूरल डिपॉजिट्स पहले अर्बन एरियाज के अंदर आ रहे थे वो रूरल एरियाज में ही रहे एंड साथ ही साथ रीजनल इंबैलेंस को भी कम किया जा सके आर आरबीस को सेवेंटी फाइव परसेंट जो उनका क्रेडिट होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होता है जैसे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए तो फोर्टी परसेंट होता है ना ठीक है इनके लिए सेवेंटी फाइव परसेंट होता है नाइन्थ क्वेश्चन है ग्लोब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर

तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस केस में आपके जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ओके सो गोल्ड ई जो है वो पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड गोल्ड प्राइसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं करंट गोल्ड प्राइसेस के ऊपर ओके सो सिंपल इन्वेस्टमेंट है जैसे कि आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आपको आप ई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे लोग गोल्ड सोने के अंदर पहले क्यों इन्वेस्ट करते थे कि भाई सोना आगे चल करके बढ़ेगा ठीक है लेकिन वो सोना एक तरीके से आपको अपने घर पे खरीद के रखना पड़ता था अब एज ए इन्वेस्टर जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आपको जो है ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो ओके एंड डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइसेस के बेसिस पे इसकी जो है प्राइसिंग होती है ओके तो जैसे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो वैसे इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो एक गोल्ड ईटीएफ जो होता है ये एक ग्राम ऑफ गोल्ड अगर आप एक यूनिट खरीदते हो ना ईटीएफ की मतलब कि आप एक एक ग्राम गोल्ड के अंदर आ, इन्वेस्ट कर रहे हो ओके और इसके लिए आपको फिजिकल गोल्ड से बैकिंग करनी होती है जो इन्वेस्टर होता है ओके जो जो सॉरी इन्वेस्टर नहीं होता जिसके साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिजिकल गोल्ड के साथ इसको बैक किया जाता है ताकि हंड्रेड परसेंट सेफ्टी और गारंटी रहे ओके सो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो था वो आपका करेक्ट नहीं था टेंथ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पहला कंपनीज uh, एक्ट 1956 के अंदर ये कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और लोन्स एंड एडवांसेस के काम में एंगेज होती हैं सिर्फ दूसरा डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या कोई भी नहीं आंसर है आपका नीदर वन नर टू दोनों आपके इनकरेक्ट हैं तो एन देखो uh, कंप रजिस्टर्ड तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर होते हैं ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस के साथ साथ ये शेयर्स को भी एक्वायर कर सकते हैं शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सरकार या कोई भी लोकल अथॉरिटी इशू कर रही है ठीक है हायर परचेज इंश्योरेंस बिजनेस चिट बिजनेस अलग अलग बिजनेस में जा सकते हैं अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कंपनीज एक्ट तो ठीक था ये वाला पॉइंट तो ठीक था लेकिन ये कह रहा था कि सिर्फ लोन और एडवांसिस के बिजनेस में जा सकते हैं तो इसीलिए ये गलत हो गया था ये ओनली वर्ड ने इसको गलत कर दिया था ओके okay, उसके बाद जो एनबीएफसी हैं दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अब जो भी NBFCs हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिमांड डिपॉजिट्स और इसी वजह से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो भी इनको अवेलेबल नहीं होती इलेवेंथ क्वेश्चन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में आपको statements है। पहला ब्लॉकचेन दूसरा नाइजीरिया जो है वो पहली इकोनॉमी है जिसने यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सैंड डॉलर को लॉन्च किया है पूरी दुनिया में ठीक है अब पूरी कंट्री के अंदर पहली कंट्री बनी है जिसने अपनी पूरी कंट्री में यह लॉन्च किया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखो ये जो डिजिटल करेंसी वाला सिस्टम है ना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज करता है अभी तक क्या था कि बिटकॉइन चल रहे थे तो सरकारों ने देखा कि यार बिटकॉइन के ऊपर किसी तरह का को कोई रेगुलेशन नहीं है ठीक है बिटकॉइन के ऊपर किसी भी तरह की किसी सरकार का नेशनल या इंटरनेशनल कोई रेगुलेशन नहीं है तो पर यह है तो डिजिटल करेंसी फ्यूचर की करेंसी हम इसको पूरे तरीके से नकार नहीं सकते कि इसको हम बढ़ने ही ना देंगे ये बढ़ेगा तो है तो अच्छा ही है कि हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटल करेंसी को लेकर के हैं ठीक है तो अल्टीमेटली ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इसको आप ब्लॉकचेन के जो वॉलेट्स हैं उसके थ्रू ट्रांजेक्ट कर सकते हो नहीं तो फायदा ही कोई ना होता तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि नाइजीरिया पहली इकोनमी नहीं है ओके सो so, सीबीटीसी एक डिजिटल फॉर्म है बेसिकली जैसे क्रिप्टो करेंसीज तो रेगुलेटरी वैक्यूम में है यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन होगी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा वन टू वन आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो बाकी फेट करेंसीज के साथ आप ब्लॉकचेन वॉलेट्स को यूज करके इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो बहमस जो है वो पहली इकोनॉमी है जिन्होंने अपने पूरे देश के लिए जो है सीबीडीसी करेंसी लॉन्च की है सैंड डॉलर उसका नाम है नाइजीरिया दूसरी कंट्री है इन्होंने 2020 में इसको रोल आउट किया था और उसका नाम है ई e नायरा और मेजर इकोनॉमीज़ में बड़ी इकोनॉमी में चाइना जो है वो पहली करंसी है जिसने डिजिटल करेंसी ई सी पायलट मोड पे लेकर के आए थे ये अप्रैल 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन मिला है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन विद प्लैटिनम रेटिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये सर्टिफिकेशन देती है ओके okay, सो so ये रिसेंटली मिला था आपके विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को फैक्चुअल सी इंफॉर्मेशन है बस याद रख लेंगे तो है इलेक्शन कमीशन जो है आपका इलेक्शन uh, कमीशन जो है वो सेलिब्रेट करता है नेशनल वोटर्स डे हर साल ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को और इस बार का जो थीम था दैट वॉज नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर ये थीम भी आपने याद रखना है ये डेट भी आपने याद रखना है थीम और डेट आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि अल्टीमेटली कब जो है आपका जो ये सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और थीम दोनों तो इस बार जो था ये थर्टींथ एडिशन था 2011 में हमने इसको बनाना शुरू किया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स 2022 अनाउंस हुए थे 2023 की स्टार्टिंग के अंदर ही तो उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला कहता है कि इंडिया के सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेन 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और ये सेकंड बैटर बने आफ्टर पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान टू स्कोर मोर देन थाउजेंड रन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू अच्छा जी दूसरा कहता है रेणुका सिंह आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं इनको सर गॉरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एज वेल एज आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं यहाँ पर आपके ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं ठीक है, है? चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं और तीनों सॉरी जो सूर्या कुमार यादव हैं उनको मेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और दूसरे बैट्समैन बने जिन्होंने टी ट्वेंटी में 2022 में हज़ार से ज़्यादा रन स्कोर किए रेणुका सिंह को आई सी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर बाबर आजम को आई सी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ओके तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे डायरेक्टली वो पेपर के अंदर पूछ लेता है। ब्रिक्स सबमिट जो अगस्त 2023 के अंदर होना है ये कौन सी कंट्री के अंदर कंडक्ट इसको किया जाएगा फिफ्टींथ ब्रिक्स समिट सो so, ये जो फिफ्टींथ ब्रिक्स समिट है ये आपका अगस्त में होगा इंडिया के अंदर इस बार इंडिया के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा ओके गाइस मुझे एकदम से ना इसके अंदर थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे करने एक बार साथ के साथ कर लेते हैं <coughs> हाँ मुझे तभी डाउट हो रहा था ये इंडिया में नहीं होना ये साउथ अफ्रीका में होना है इसका आंसर बी होगा सी नहीं होगा इसका आंसर बी होना है साउथ अफ्रीका ओके करेक्ट कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट जिन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके अंदर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना उसके अंदर जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉन्च किया गया है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम नेक्स्ट पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल इक्विटोरियल काफी कम चांसेस हैं कि वो पेपर के अंदर पूछे बट क्योंकि फर्स्ट फीमेल से कुछ लगाव होता है एग्जामिनर का इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर क्वेश्चन को रखा है एंड हर नेम इज मैन्यूला रोका बोटे ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है इक्विटोरियलिया के नेक्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे जिसको सेकेंड फेबर को ऑब्जर्व किया जाता है काफी इंपॉर्टेंट डे है और इसका थीम अच्छे से याद होना चाहिए और आपको पहले भी मैंने हमने जो वेटलैंड वाला वीडियो था उसमें इसको कवर किया था वैसे एंड आंसर है यहाँ पर आपका वेटलैंड रिस्टोरेशन ओके सो वेटलैंड रिस्टोरेशन इज द आंसर और इसके अंदर ना अब दो थीम्स आ जाती हैं, एक तो जो रामसर कन्वेंशन ने थीम अनाउंस की एक आ जाती है जो यूएन ने थीम अनाउंस की यूएन ने जो थीम अनाउंस की थी दैट वाज रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लाडली बहना स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया जिसके अंदर हजार रुपए पर महीना प्रोवाइड किया जाएगा उन महिलाओं को हु आर फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड तो ये जो स्कीम है दिस स्कीम इज ऑफ मध्य प्रदेश लाडली बहना याद रखना है लाडली बहना और uh, हजार रुपए दिए जाएंगे टू वुमेन हु आर फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड मेरो रुख मेरो संताती बेसिकली प्लांटा ट्री लीवर लेगेसी ये एक स्कीम है इसके अंदर क्या बोला है स्टेट ने कि हर बच्चे के पैदा होने पे स्टेट के अंदर 100 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर के काम करेंगे तो ये स्कीम अनाउंस हुई है अगेन सिक्किम स्टेट ने अनाउंस किया मेरो रुक मेरो संताति प्लांट अ ट्री लीव लेगेसी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी इंडियन कंपनी जो है आ, उसको वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर इंक्लूड uh, किया गया है बाय फॉर्च्यून मैगजीन अगेन ये क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस कम हैं बट फिर भी यूपीएससी uh, के लिए हमें तैयार रहना है हर तरीके से आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस नेक्स्ट थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2023 2020 से ही हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था और ये फोर्थ फेब्रवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पीस को एनकरेज करने के लिए ह्यूमैनिटी के बीच में अच्छे रिलेशन को एनकरेज करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मिशन अनाउंस किया जिसका नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इन शॉर्ट जूस मिशन इसको बोला जाता है और अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा टू एक्सप्लोर जुपिटर और उसकी जो तीन नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है जूस मिशन सो ये है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है नेक्स्ट है जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है पहला इट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन फॉर लोन्स और एडवांसेस दैट आर आर इन इन डिफॉल्ट और एरियर ऑन शेड्यूल्ड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरस्ट कि भैया आपने डिफॉल्ट कर दिया है पेमेंट के लिए ठीक है जो भी आपने पैसा देना था चाहे वो प्रिंसिपल का है जो लोन अमाउंट है आपका या उसके ऊपर जो ब्याज है तो अगर ब्याज भी नहीं पे किया तब भी वो एनपीए में आ सकता है पहली स्टेटमेंट ये कह रही है दूसरी कह रही है कि एनपीए क्लासीफाई हम कब करते हैं अगर जो पेमेंट है आपने नहीं दी फॉर अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज ठीक है जब आपकी पेमेंट ड्यू थी उसके बाद तीस दिन हो गए तो तो आपका पहला है नब्बे होना था नब्बे दिन बाद हम एनपीए की कैटेगरी में उसको रखते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियड पॉवर्टी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पीरियड पॉवर्टी पहला इट रेफर्स टू अन एफोर्डेबिलिटी और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सुटेबल पीरियड प्रोडक्ट्स ठीक है आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो पीरियड प्रोडक्ट्स को या आपके एक्सेसिबल ही नहीं है पीरियड प्रोडक्ट्स दूसरा रिसेंटली आयरलैंड पहला देश बना जिन्होंने लीगली प्रोटेक्ट किया है एंड उसमें उन्होंने बोला है कि फ्री हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे यहां पर ये मैं आपको बता हम जो होती है उसको यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं ओके? इंडियन में सूची स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की थी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पीरियड प्रोडक्ट्स टू वुमेन इन रूरल एरियाज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्कॉटलैंड आना है यहां पर और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है तो आंसर थर्ड uh, uh, यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वन ओनली तो पीरियड पॉवर्टी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो इनकम है आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो या एक्सेसिबल ही नहीं है पीरियड प्रोडक्ट्स जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं स्कॉटलैंड पहला देश बना है जिन्होंने लीगली प्रोटेक्ट किया है पीरियड राइट्स को और उन्होंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके लिए पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट भी पास किया गया सूची स्कीम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएशन के लिए है अब रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन एडोलोसेंट गर्ल्स के अंदर बट ये कोई फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करता है अवेयरनेस क्रिएशन का, का काम करता है दो हजार में इनिशियली इसको एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोल रहा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड करें 2015-16 में सरकार ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस स्कीम के अंदर अवेयरनेस क्रिएशन की। क्वेश्चन अच्छा जी आपको यहां गिवन है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है पहला पहला और दूसरा पहला और तीसरा या तीनों देखो वर्ल्ड बैंक सिर्फ आपका पहला इंडेक्स रिलीज करता है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाकी दोनों वर्ल्ड बैंक आरबीआई सॉरी नहीं रिलीज करता तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली बैंकिंग ने कैसा परफॉर्म किया इंश्योरेंस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया पेंशन सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया वो सारी चीजें होती हैं आरबीआई इशू करता है डब्ल्यू पी आई जो है वो इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पे मैन्युफैक्चरर लेवल पे ये कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेंज को नहीं ट्रैक करता ठीक है और डब्ल्यू पी आई सिर्फ गुड्स के अंदर इन्फ्लेशन देखता है सर्विसेज के अंदर नहीं यही डिफरेंस है डब्ल्यू पी आई और CPI में CPI कंज्यूमर लेवल के ऊपर प्राइसेस में क्या इंक्रीज आया है वो देखता है और सी पी आई जो है सर्विसेज के अंदर भी प्राइस चेंज को देखता है डब्ल्यू को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है CPI कमोडिटीज और सर्विसेज दोनों को लेगा जो डायरेक्टली कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं अब इसमें से चार टाइप ऑफ CPI आपके पब्लिश होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर रूरल लेबर और सीपीआई कम्बाइंड रूरल और अर्बन का अब ये जो पहले तीन है इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर ये तो कंपाइल uh, करता है आपका लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर और जो आपका ये सीपीआई कंबाइंड है ये रिलीज करता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये जितने भी हमने पॉइंट देखे हैं ना फाइनेंशियल इंडेक्स कौन निकालता है डब्ल्यू पी आई कौन निकालता है सीपीआई कौन निकालता है फिर सीपीआई में इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर रूरल लेबर वाला कौन निकालता है कंबाइंड ये बड़े इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से इनको याद में रख लेना पेपर में पूछे जाने के काफी ज्यादा हाई चांसेस इसके होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट एनईएसडी ए जिसको बोलते हैं ओके okay, पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस दूसरा प्राइवेसी फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स इज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ दिस असेसमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सो दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं देखते हैं एन ई एस डी ए के बारे में थोड़ा सा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रैंक मिला है फर्स्ट रैंक मिला है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल के अंदर एंड डिजिटल पुलिस पोर्टल जो है इसको सेकेंड रैंक मिला है आपके नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की असेसमेंट की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसिस ने नैसकॉम के साथ मिलकर और के के साथ मिल करके इसको कंडक्ट किया था ट्वेंटी में चार मेन पैरामीटर्स हैं एक्सेसिबल कितनी है ये पोर्टल्स जनरल पब्लिक को कंटेंट कितना अवेलेबल है इजी कितना है यूज करना इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर है प्राइवेसी कितनी है सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल्स के ऊपर एक इंडिविजुअल की जो उसके ऊपर आ रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट कैसा क्रिएट हो रहा है ओके okay, उसके अलावा तीन एडिशनल पैरामीटर्स हैं फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल्स कि भाई जो बेसिकली कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली सिटीजन uh, को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई एंड सर्विस डिलीवरी अच्छी है कि नहीं है इंटीग्रेटेड फॉर्म में सर्विस हो रही है या नहीं है जो स्टेटस और रिक्वेस्ट ट्रैकिंग है कि भाई किसी ने अपना कोई रिक्वेस्ट उसके अंदर पुट किया है तो उसका स्टेटस उसको शो हो रहा है वो ट्रैक कर पा रहा है कि नहीं अपनी रिक्वेस्ट को ये एडिशनल सिर्फ उनके लिए है जो सर्विस पोर्टल्स हैं ओके ट्वेंटी एथ जी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है पहले भी हमने कवर किया है दो इसको uh, टू सेवन ए सब क्लास वन के अंदर इसको बनाया प्रेसिडेंट ने दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है तीसरा हर स्टेट नॉमिनेट कर सकती है मिनिस्टर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और और टैक्सेशन एनी अदर एज अ मेंबर कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं तो जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट ने फॉर्म फॉर्म करता है टू सेवेंटी ए सब क्लास वन के अंदर और इसके अंदर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये चेयरपर्सन होते हैं और जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स है, होते हैं ठीक है वो भी इसके अंदर नॉमिनेट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट या वो किसी और मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं फंक्शन इसके क्या हैं यूनियन को रिकमेंड करना स्टेट को रिकमेंड करना इंपॉर्टेंट इशूज जी एस टी से रिलेटेड ठीक है कौन से गुड्स को एक्सैम्प्ट कर देना चाहिए जीएसटी से कौन से गुड्स के ऊपर कितना कौन से टैक्स ब्रैकेट अप्लाई करने चाहिए ये सब चीजें जो है ये रिकमेंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नरेगा से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करती है पचास दिन का वर्क प्रोवाइड करती है स्किल्ड लेबर को इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पीपल आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है देखो मनरेगा को अगर आप जानते हो तो आपको पता है वो स्किल्ड लेबर नहीं अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करती है वो भी हंड्रेड डेज तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट होना ही होना है ठीक है थ्री बिल्कुल करेक्ट होना ही होना है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है और परचेजिंग पावर इम्प्रूव करने के लिए ही इस स्कीम को लेकर के आया गया था ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा ओके सो मनरेगा जो है ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड फाइव को ये एक्ट लेकर के आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है उसके बाद जी हंड्रेड डेज का काम प्रोवाइड करते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर एडल्ट मेंबर्स को रूरल हर रूरल हाउस होल्ड में एक एडल्ट मेंबर को जॉब प्रोवाइड करने का ये एज अ राइट देता है और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है Power करना बिलो पॉवर्टी okay, जो है एजेंडा थर्टी एंड फाइनल क्वेश्चन का इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट टू के अंदर स्टेबलिश किया गया था दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको ऑपरेट करता है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो इस केस में अगर आप आंसर देखेंगे कंज्यूमर वेलफेयर फंड तो बिल्कुल सही है 2017 के एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था पहले कंज्यूमर वेलफेयर फंड रूल्स होते थे 1992 उसको फिर 2017 के एक्ट में ला दिया गया था ठीक है एंड इस फंड को सेटअप किया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज ने और ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अब मैंने आपको आंसर पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन ही हो जाती है ऑपरेटेड और सेटअप दोनों अलग चीज है सेटअप तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर दिया लेकिन ऑपरेट कौन करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो आपके यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आंसर आपका यहां पर होना है ऑप्शन सी और इस फंड का मेन जो काम होता है बेसिकली ये कंज्यूमर वेलफेयर्स को एनकरेज करता है उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है ओके सो दिस वर द क्विक थर्टी क्वेश्चंस गाइस आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड कोशिश करेंगे कि आज एक और लेक्चर करंट अफेयर्स के ऊपर थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन का डालें शाम तक ओके चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय